किसी इंसान को अपने जीवन में खुशी ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास जो गुण हैं, उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी जो ईश्वर ने उसको दिया है, अगर वो उस पर भरोसा करे, आत्मविश्वास रखे और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना सीख ले, तो शायद वो अपने आप में बेस्ट होगा और शायद कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं हो जो वो प्राप्त ना कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग दूसरों के खुशी से परेशान रहते हैं। उनको लगता है दूसरा ज़्यादा खुश है, वो ज़्यादा दुखी हैं, दूसरे की संपत्ति ज़्यादा है, दूसरा ज़्यादा सुंदर है, दूसरा ज़्यादा पैसे वाला है, लेकिन उसके पास क्या है ये वो देखना नहीं चाहता। और जो है, या तो उस पर वो अति भरोसा करता है, अति भरोसा करने का मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, और या तो वो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। ये बात मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूँगा, कहीं मैंने सुनी है और शायद हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाता भी है। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था, बहुत दुखी था, रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु थे जो तपस्या कर रहे थे। उनके ऊपर जब पानी की बूंदें गिरी, उन्होंने ऊपर देखा, कौन है ये? उन्होंने देखा ये कौवा बैठा हुआ है। उन्होंने उस कौवे को अपने पास बुलाया, उसे पूछा क्यों परेशान क्यों हो? कौवे ने कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने इस काले कलर से बहुत परेशान हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, हर कोई मुझे कंकड़ मार के भगाता है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। साधु महाराज ने कहा कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हो? भाई कोयल भी तो काली है, उसे तो लोग नहीं दुत्कारते हैं, कहीं से उसको नहीं नेगेटिव देखते हैं। कवि ने कहा, महाराज ऐसा भगवान ने उसको कुछ तो दिया है, उसको मीठी आवाज तो दी है, मैं तो बोलता भी हूं तो भी लोग मुझे मार के भगा देते हैं। तो महाराज ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी भी उपयोगिता है, जब श्राद्ध होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो ऐसे में तुम्हारी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कौवे ने कहा, नहीं महाराज, ये सब कहने की बातें हैं, मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो महाराज ने बोला, अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो, रो नहीं, तो मुझे बताओ क्या चाहते हो। कौवे ने कहा, महाराज मुझे हंस बना दीजिए। महाराज ने कहा, हंस ये क्यों? उसने कहा, वो सफ़ेद कलर का होता है, श्वेत वर्ण होता है, लोग उसे फोटो खींचते हैं, पसंद करते हैं, बहुत हंस का बहुत ही अच्छा रुतबा है हमारे पक्षी समाज में। महाराज ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक बार हंस से बात कर लो, हो सकता है वो भी किसी चीज़ से परेशान हो। कौवा चतुर था ही, उसने सोचा चलो बात महाराज कह रहे हैं तो बात कर ही लेते हैं। वो हंस के पास गया, हंस से उसने पूछा कि हंस भाई तुम तो बड़े खुश हो गए, तुम्हारी तो जिंदगी चकाचक, तुम्हें तो लोग पसंद करते हैं, फोटो खींचते हैं। हंस ने कहा कि तू पागल है क्या, कोई इसमें खुश रहता है? छोटे से तालाब में मैं जिंदगी निकाल दे रहा हूँ अपनी, मैं खुश हूँ? ये मातम का कलर सफ़ेद, ये बहुत अच्छा कलर है, और तो और लोग मुझे कंकड़ मार के उड़ाते हैं जिसे फोटो खींच सकें, ये कोई जिंदगी है? ये भाग जाए यहाँ से, नहीं तो अभी मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगा। कौवा भागा वहाँ से, महाराज के पास आया, कहा महाराज हंस मत बनाओ मुझे, हंस तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। तो बाबा ने कहा, अच्छा तो फिर बताओ मैं तुम्हें क्या बनाऊँ? ऐसा करो आप ये तोता बना दो। क्या तोता क्यों? का हरा हरा कलर होता है, लाल लाल चोंच होती है, सब पसंद करते हैं, घर में अपने साथ रखते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं। क्या ठीक है, आपको जब ये बहुत अच्छा लग रहा है जाओ पूछ लो उससे भी, पूछ लो हम बना देते हैं तुमको, तुमको यही पसंद है तो। कौवे ने सोचा हाँ ये भी ठीक है, चलो हम पूछ लेते हैं। तोते के पास पहुँचा,
बोला तोता भाई, तोता भाई तुम तो मजे में हो यार, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है बिल्कुल, तुम्हें तो सब लोग प्यार करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं। तोते ने कहा ये कोई कलर है कौवे, तू तो मेरी ज़िंदगी को मजाक उड़ा रहा है, ये कोई कलर है, हरा हरा कलर, पेड़ के साथ मिल जाओ पता नहीं चलता है कि कहाँ तुम बैठे हो, कहाँ पर पेड़ है। और जहाँ तक रही लोग प्यार करने का, मिट्ठू मिट्ठू कहने का, वो पिंजरे में बंद करके करते हैं मुझे। वो पिंजरे में बंद रहकर कौन सी खुशी मिलती, तू कम से कम पिंजरे में बंद तो नहीं होता, तेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है कोई तुझे कैद तो नहीं करता, मुझे तो कैद करता है। कौवा फिर भागा वहाँ से, आया महाराज के पास, बोला महाराज तोता भी नहीं। का फिर अब बता तू, का बस अब मेरी समझ में आ गया, आप मुझे मोर बना दो, क्योंकि मोर ही है राष्ट्रीय पक्षी और इतना कलर उसमें है कि कोई ना कोई कलर तो लोग प्यार करते हैं, इसलिए आप मुझे मोर बना दो। महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन एक बार मोर से भी पूछ ले। और कहा ठीक है चलो भाई मोर से ही पूछ लेते हैं। मोर के पास गया, मोर को बोला यार तू बड़ा ताकतवर है, तू तो सांप को भी, सांप से सब डरते हैं, तू सांप को भी खा जाता है, इतना अच्छा कलर कि तेरे नाचने पर तो बिल्कुल बादल घिर आते हैं, और तो और राष्ट्रीय पक्षी है। मोर ने कहा अभी तुझे मैं कच्चा खा जाऊंगा, जले पे नमक मत छिड़क, इसी पंख के कारण मुझे मारा जाता है, राष्ट्रीय पक्षी इसलिए बनाया गया जिससे मैं बचूं, मेरी ज़िंदगी बचे, उसके बावजूद भी लोग मुझे छोड़ते नहीं हैं, क्या फ़ायदा ऐसे कलर का, इस प्रकार की ज़िंदगी का तू खुश तो है, तू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ तो पाता है, अपनी मर्जी से जाता है, कोई तुझे मारता तो नहीं है। कौवा सोच में पड़ गया, वापस महाराज के पास आया, कहा महाराज मैं समझ गया, मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जिसको जो कुछ दिया है कोई भी उसमें खुश नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो अपने पास है खुश उसी में रहना चाहिए, दूसरों का कोई खुशी देखकर, दूसरे का कोई गुण देखकर, दूसरे को अच्छा और बहुत खुश समझने से अपने दुख कम नहीं होते। तो बेहतर है कि हम खुद पर ही प्राउड करें, खुद पर ही भरोसा रखें, और महाराज मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये शिक्षा दी कि व्यक्ति को जो उसके पास है उस पर भरोसा करना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए, यही ज़िंदगी की असली खुशी। तो क्या समझा हमने इससे, इस कहानी से हमने समझा कि अगर हम दूसरों को देखेंगे, दूसरों को खुद से तुलना करेंगे और उनके तो दो ही परिणाम आएंगे सामने, या तो इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा या तो सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, या तो हम खुद को बहुत नीचा समझना शुरू कर देंगे या तो दूसरे को नीचा समझना शुरू कर देंगे। तो किसी से कोई तुलना ना करें, जो आपके पास है उस पर भरोसा करें, जो आपकी क्षमता है उसका इस्तेमाल करें, और उसी से ही आप जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं कर सकते हैं, इसलिए जैसे हैं उसमें खुश रहें। धन्यवाद।